नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जैसे पार्ट सेकंड के लिए यूनिट सेकंड शुरू की थी, जिसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है हमारा फिनॉल्स, सॉरी अल्कोहल्स। ठीक है, इस यूनिट का हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उस यूनिट का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है फिनॉल्स। ठीक है, इस यूनिट में तीन चैप्टर्स हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और आपको जैसे कि जल्दी है, जल्दबाजी है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, टाइम कम है, तो आप इस यूनिट में से एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट के हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। आपको करना तो कोई एक ही है, तो चाहे तो आप अल्कोहल से अटैम्प्ट करो, चाहे फिनॉल से अटैम्प्ट करो, चाहे ईथर से, तो जो आपने पढ़ा हो उसमें से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें दो ही चैप्टर कराऊंगी, एक अल्कोहल करा चुकी हूँ, अब फिनॉल कराने वाली हूँ। रोल शुरू करेंगे आज हम, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम फिनॉल। चलिए शुरू करते हैं फिनॉल्स। क्या हैं फिनॉल्स? अब तक हमने क्या पढ़े थे? अब तक हमने अल्कोहल्स पढ़े हुए थे, अल्कोहल्स पढ़े हुए थे जिनमें क्या था, आर ओ एच ग्रुप था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आर की जगह, ये जो आर है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल्स में, आर की जगह हमने क्या लगाया हुआ था, कोई एलिफैटिक ग्रुप लगाया हुआ था, है ना, जैसे CH3 या आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, इस तरह के ग्रुप लगाए हुए थे, तो उनको हमने क्या नाम दिया था, अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो R हो, R ग्रुप कोई क्या हो, बेंजीन रिंग हो, एराइल ग्रुप हो, अगर ये R ग्रुप क्या हो, एराइल हो, कोई एराइल समूह हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, क्या ये भी अल्कोहल कहलाएंगे, या फिर इन्हें हम कुछ और कहेंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल के जैसी होंगी या नहीं होंगी या डिफरेंट होंगी, देखते हैं। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में कि क्या होते हैं अल्कोहल, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिनॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये हो, बेंजीन रिंग है, इसमें लगा हुआ है OH, R की जगह हमने क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग है। हो सकता है हम एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, ये भी OH लगा दिया, ये भी OH लगा दिया, तो इनको हम क्या कहेंगे, क्या ये भी अल्कोहल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो हमारे जो अब तक हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल्स पढ़ा, लेकिन अगर हम ROH में R की जगह कोई क्या जोड़ दें, एरोमेटिक वलय जोड़ दें, तो क्या होगा कि अगर बेंजीन वलय के साथ, तो हम यहां लिख सकते हैं कि बेंजीन वलय के साथ यदि एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यदि बेंजीन रिंग हो और बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप हो या एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे यौगिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। वो भी कैसे, एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, तो एरोमेटिक दिखाई तो दे रहा है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। ठीक है, अल्कोहल नहीं कहा है हमने इनको, अल्कोहल नाम नहीं दिया, इनको क्या कहा है हमने कि इनमें एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है। बेंजीन रिंग कैसी होती है, एरोमेटिक होती है, इसलिए इनको हमने क्या कहा है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहा है, क्योंकि हाइड्रोक्सी यौगिक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वो भी कैसे, एरोमेटिक भी है साथ में, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। ये जो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। ठीक है, पहला तो वो होगा जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, एक तो होंगे हमारे फिनॉल। ठीक है, एक क्या होंगे, फिनॉल। फिनॉल क्या होते हैं भाई, देख लेते हैं, तो जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनॉल। स्ट्रक्चर सभी जानते हैं भाई फिनॉल की, तो फिनॉल में क्या होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, है ना, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनॉल।
तो एक तो हो सकते हैं जो हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक, उनको ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फिनॉल और दूसरे देखेंगे क्या होते हैं। तो फिनॉल के हम क्या लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधा किससे जुड़ा होता है, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, फिनॉल। यानी कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी क्या, बेंजीन रिंग, डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दूं तो यही क्या कहलाता है हमारा, फिनॉल कहलाता है। ये क्या है हमारा, क्या है ये, फिनॉल है। तो एक तो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उनको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। अब अगर इस फिनॉल में, अगर इस फिनॉल में मैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दूं, ठीक है, अगर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दूं तो फिर वो किसमें क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अगर मैं इसमें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दूं, जैसे कि ये है, यहाँ OH ग्रुप है, मैंने एक और OH ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, OH ना जोड़ के मान लो मैंने ये जोड़ दिया, OH है, यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया, तो ये सब क्या है, ये सब फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। क्या है, फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं, व्युत्पन्न हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कह सकते हैं। ये तो क्या है, ये तो क्या है, फिनॉल के व्युत्पन्न हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। फिनॉल ही है लेकिन कैसे, पॉलीहाइड्रिक, जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है, ऐसे फिनॉल है। ये जो है इसको तो सभी जानते हैं, ये क्या है, ऑर्थो क्रिसॉल, ये भी क्या है, फिनॉल है, एक्चुअल में क्या है, फिनॉल है। तो ये सब क्या है, ये तो है हमारा फिनॉल मॉलिक्यूल, और ये सब क्या है, फिनॉल के व्युत्पन्न है। क्या है ये, फिनॉल के व्युत्पन्न है। तो ऐसा होता है हमारा फिनॉल। अगर फिनॉल की नेचर के बारे में बात की जाए तो ये कैसा होता है, यह दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है, दुर्बल एसिडिक नेचर, यानी दुर्बल एसिडिक होता है ना। तो इसकी जो एसिडिक नेचर है उस पर तो हम बकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे करेंगे जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप जानिए कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है ये, कैसा, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का, ठीक है भाई। एक तो फिनॉल है, हमने दो प्रकार लिखे थे ना, तो एक टाइप तो फिनॉल है, अब दूसरा टाइप क्या है, तो ये जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होता है कि अगर इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या था, डायरेक्ट जुड़ा हुआ था बेंजीन रिंग से, लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट ना जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग से, यानी कोई कार्बन जुड़ा हुआ हो, उस पर कोई साइड चेन जुड़ी हो, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो दूसरा प्रकार वो होता है, वो भी क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं वो भी। तो एक टाइप तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक में कौन होते हैं, फिनॉल, एक तो होते हैं हमारे फिनॉल, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनमें वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह तो हो लेकिन कहां, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा ना हो, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय से बेंजीन वलय से जुड़ी हुई साइड चेन पार्श्व श्रृंखला जिसे बोलते हैं, यानी बेंजीन वलय से जो पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई हो, ठीक है, पार्श्व श्रृंखला पर उपस्थित हो, तो पार्श्व श्रृंखला पर उपस्थित हो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। क्या होते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल। तो एक तो होते हैं
फिनॉल्स, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे एरोमेटिक एल्कोहल। इसको बता दूं, ये तो था हमारा फिनॉल, ये तो था फिनॉल, और दूसरा टाइप क्या था, एरोमेटिक एल्कोहल। तो अगर बेंजीन रिंग से एक से ज्यादा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक, और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एल्कोहल, जिन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल, क्योंकि उसमें एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, तो वो एल्कोहल की श्रेणी में आ जाते हैं। तो एरोमेटिक रिंग तो जुड़ी ही होती है, लेकिन किससे, साइड चेन से जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल लू, ऐसे हो बेंजीन रिंग है, यहां पर जुड़ा हुआ हो CH2OH, ठीक है, CH2OH जुड़ा हुआ हो, इसका नाम क्या है, दिस इज बेंजिल एल्कोहल। क्या है, बेंजिल एल्कोहल है। बेंजिल एल्कोहल, यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ तो है एरोमेटिक रिंग से, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, CH2OH, यानी कि किससे, कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री। तो ये जो एल्कोहल आएगा वो किसकी श्रेणी में आएगा, 1 डिग्री एल्कोहल की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए ये एरोमेटिक है। लेकिन फिनॉल्स एल्कोहल्स नहीं होते भाई, सीधी सी बात है, फिनॉल एल्कोहल नहीं होते। अगर एल्कोहल होते तो फिर उनको भी मैं इसी श्रेणी में रखती ना, एरोमेटिक एल्कोहल की श्रेणी में, लेकिन इनको एरोमेटिक एल्कोहल की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका मतलब फिनॉल एल्कोहल नहीं होते। तो अगर बेंजीन रिंग से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हो तो दो तरह के हमारे प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फिनॉल, जिसमें OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग से, उन्हें बोलते हैं फिनॉल। और दूसरे क्या है, एक तो फिनॉल होते हैं और फिनॉल के व्युत्पन्न होते हैं, ये सब क्या है, फिनॉल के व्युत्पन्न है, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं, दूसरा टाइप है एरोमेटिक एल्कोहल। हो सकता है कि बेंजीन रिंग जुड़ी है, उससे कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, वो एल्कोहल की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिनॉल जो है, जिसको हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो कोई एल्कोहल नहीं होता, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, जल्दी से नोट करो। फिनॉल एल्कोहल की कैटेगरी में नहीं आता, फिनॉल एल्कोहल नहीं है, याद रखना, ठीक है। एल्कोहल तो ये सब है जिसमें बेंजीन OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से। जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बता दूं, ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम नामकरण, इनका नामकरण कैसे करेंगे, किसका नामकरण, फिनॉल का नामकरण, सॉरी। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, फिनॉल का नामकरण, यानी कि जो फिनॉल्स होंगे उनका हम नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर। किस तरह से इनका नामकरण किया जाता है, कैसे करते हैं, भाई फिनॉल नाम तो सुन ही लिया होगा। तो इस तरह की यौगिक अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम क्या है भाई, इसको IUPAC ने एक नेम दिया है, क्या दिया है, इसी को IUPAC ने नेम दिया है फिनॉल। यानी कि इस रिंग का, ये जो बेंजीन की रिंग है जिसमें डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका IUPAC नाम क्या है, फिनॉल। फिनॉल जो है, जिसे हम नॉर्मली फिनॉल बोल के बुलाते हैं, वो एक्चुअल में इसका IUPAC नेम है। और इसका कॉमन नेम क्या है, सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम भी क्या है इसका, फिनॉल ही है, फिनॉल ही बोलते हैं इसे। इसका मतलब इसका IUPAC नेम भी फिनॉल है और इसका सामान्य नेम भी फिनॉल है, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या किया है IUPAC ने, इसको नाम दिया है फिनॉल, ठीक है। अब इसके जो व्युत्पन्न है उनका नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। यानी कि अगर बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप के अलावा और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वही रूल्स हैं जो हम नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। मान लो ऐसा हो, ये हो CH3,
तो इसका कॉमन नेम तो हम जानते ही हैं, कॉमन नेम को सीएन से लिख दो। कॉमन नेम क्या है, सब जानते हैं इसका कॉमन नेम क्या है भाई, ये फिनॉल है। ये क्या है, फिनॉल है, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको एक नाम से जानते हैं हम, ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल बोलते हैं, है ना। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, जैसे हम देते हैं, ये क्या है, एक रिंग है जिसमें एक OH ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसको जाती है, फर्स्ट OH ग्रुप को, ये सेकंड पोजीशन पर है, तो हम इसका नाम कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं इसका नाम, तो ये क्या है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज टू मिथाइल, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और इस रिंग का नाम क्या है, फिनॉल है, तो टू मिथाइल फिनॉल, इसका यूपीएससी नेम क्या है, इस रिंग का फिनॉल, और सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो इसका यूपीएससी नेम कैसे दे सकते हैं, टू मिथाइल फिनॉल, ठीक है। जैसे ऑर्थो क्रिसोल होता है, ऐसे ही क्या होता है, मेटा क्रिसोल भी होगा, पैरा क्रिसोल भी होगा, नाम सुना है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, OH ग्रुप है एक, ये भी हो सकता है, दिस इज व्हाट, दिस इज मेटा क्रिसोल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, वन टू थ्री, तो क्या हो जाएगा, थ्री मिथाइल फिनॉल, क्या हो जाएगा ये, थ्री मिथाइल फिनॉल। ऐसे ही इसका एक और डेरिवेटिव होता है जिसका नाम है पैराक्रिसोल, क्या है जिसका नाम, पैराक्रिसोल है, जैसे कि ये OH ग्रुप हो और पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ हो, CH3, तो इसका सामान्य नाम क्या है जिसको हम कॉमनली जानते हैं, तो सामान्य नाम है इसका पैराक्रिसोल, इसको बोलते हैं पैराक्रिसोल। और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे अभी तक किया था, वन टू थ्री फोर पोजीशन पर है, तो क्या हो जाएगा, फोर मिथाइल, फोर मिथाइल फिनॉल, क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, फोर मिथाइल फिनॉल। तो इस तरह से बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ये तो तब है जब CH3 ग्रुप हो। लेकिन अगर हमको ऐसा दे दिया हो तो कि एक ही रिंग है बेंजीन की और उस पर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मतलब कि एक OH ग्रुप ये लगा दिया, एक OH ग्रुप ये लगा दिया, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो भाई इसको भी हम जानते हैं, नाम सुना होगा, इसका भी एक सामान्य नेम है, कॉमन नेम है, क्या है इसका कॉमन नेम, इसको बोलते हैं हम कैटेकोल, कैटेकोल, दिस इज कैटेकोल, कॉमन नेम क्या है इसको बोलते हैं, जिसमें एक बेंजीन की रिंग जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हो, इसको क्या बोलते हैं, कैटेकोल बनते हैं। लेकिन इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे भाई, आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, आईयूपैक नेम, तो आईयूपैक नेम देने के लिए इसको क्या कहा जाता है, वन पोजीशन पर और टू पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये पूरी रिंग क्या है, बेंजीन। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग है, इसकी तरह नहीं किया जाता कि आप बोल दो टू हाइड्रोक्सी फिनोल, ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये भी तो, ये वाला भी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये टू है, इसके रेस्पेक्ट में ये टू है, तो हम इसको कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं वन टू डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोला जाता है, वन टू, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, वन टू डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। आईयूपीएसी में नाम क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं और ये क्या है, बेंजीन रिंग है, इसका नेम क्या हो जाएगा, वन टू डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाता है इसका नाम, ठीक है, अगर हमको ऐसे दे रखा हो OH ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप कहाँ लगाओ, मेटा पोजीशन पर लगाओ, मेटा पोजीशन पर लगाओ, तो इसका कॉमन नेम क्या है भाई, इसी को बोलते हैं रिसोर्सिनोल, क्या है ये, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, क्या है ये, जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हो और एक OH ग्रुप दूसरे के मेटा पोजीशन पर हो, तो ये क्या है, रिसोर्सिनोल है। तो आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे भाई, दे दो जैसे अभी दिया था आईयूपीएसी नेम, वन टू थ्री, थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन पर है, दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वन थ्री डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, वन थ्री डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसी को आप हिंदी में लिख लीजिए, वन थ्री डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, नाम चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, तो इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, नाम तो सेम ही रहेगा,
तो जो मैंने इंग्लिश में लिखा उसी को आप हिंदी में ट्रांसफर कर लीजिए, नाम तो वही रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हो, ये क्या कहलाता है, रिसोर्सिनॉल कहलाता है। जल्दी से नोट कीजिए इतने मॉलिक्यूल्स को, और देखते हैं, और देख लेते हैं भाई। वैसे इनको आप एक नाम से और बुला सकते हो, कॉमन नेम से, जैसे कि आपको याद है ना, जैसे अल्कोहल में हमने मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक किया था, वैसे ही आप इनको भी बुला सकते हो। यहाँ पर एक एक OH ग्रुप है, तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स हैं, फिनॉल है लेकिन कैसे मोनोहाइड्रिक है। यहाँ पर दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप कह सकते हो ये क्या है, डाइहाइड्रिक फिनॉल है, कह सकते हो ये क्या है, डाइहाइड्रिक फिनॉल। अगर तीन OH ग्रुप होंगे तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, तो इस तरह से भी इनको बुला सकते हैं, जैसे अल्कोहल को हम बुला रहे थे मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, इसके आधार पर OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा हो तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे भाई, OH ग्रुप और यहां पर OH ग्रुप लगा हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है क्विनोल, क्विनोल क्या है इसका नाम, क्विनोल है कॉमन नेम। और आयुपैक क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम क्या होगा, जैसे अभी बताया था 1 2 3 4, तो 1 4 डाई हाइड्रोक्सी, 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, बेंजीन 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगर एक दो की जगह तीन हो, यानी ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो, कैसा हो, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो, अगर हमने ट्राइहाइड्रिक फिनॉल ले लिया इस तरह से, एक OH ग्रुप, ठीक है, दूसरा OH ग्रुप यहाँ लगा दिया मेटा पोजीशन पर, एक यहाँ लगा दिया मेटा पोजीशन पर, तो यह क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है फ्लोरोग्लुसिनॉल। कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है फ्लोरो ग्लूसिनॉल, पता होना चाहिए आपको क्या है ये, फ्लोरो ग्लूसिनॉल। और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, जैसे अभी किया था 1 2 3 4 और ये 6, तो कहां कहां पर है, 1 3 और 4 पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सिल है, तो बिल्कुल जैसे डाइहाइड्रिक फिनॉल्स का किया था, बिल्कुल वैसे इसका नोमेनक्लेचर भी हम करेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल की तरह करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिख नहीं रहा वो इसको, अब दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन ही है लेकिन कैसी, 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा दे रखा हो, ठीक है, तीन OH ग्रुप हो लेकिन एक साथ दे रखे हो, मतलब OH OH और OH, ये भी ट्राइहाइड्रेट फिनॉल है, तो इसका कॉमन नेम क्या है भाई, इसका कॉमन नेम क्या है, ये कहलाता है पाइरोगेलोल, इसी का नाम क्या है, इसी को तो बोलते हैं पाइरोगेलोल, कभी आपने नाम सुना हो शायद। कॉमन नेम क्या है इसका, इसका कॉमन नेम है पाइरोगेलोल, ठीक है, पाइरोगेलोल है इसका कॉमन नेम। और आयुपैक क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी अभी किया था 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये तो अभी हमने ऐसा देखा कि जब बेंजीन पर क्या उपस्थित हो, बेंजीन पर OH ग्रुप एक से ज्यादा उपस्थित हो, अगर OH ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप लगाओ, मिथाइल को छोड़कर, मिथाइल का हम देख चुके हैं नोमेनक्लेचर, अगर मिथाइल और OH को छोड़कर बेंजीन को, सॉरी फिनॉल की रिंग पर कोई और ग्रुप लगाओ, तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किसका किया था, क्रिसोल का किया था, क्रिसोल का जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्हें नोट कीजिए फिर मिटाती हूँ, जगह चाहिए मुझे। ठीक है, मिटा दो।
अगर ऐसा दे रखा हो। यहाँ OH ग्रुप लगाओ, यहाँ पर CL ग्रुप लगाओ, ठीक है, OH ग्रुप लगाओ, CL ग्रुप लगाओ। तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 जैसे क्रिसोल का नोमेनक्लेचर किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या कहलाता है, फिनोल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3-क्लोरो-फिनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3-क्लोरो-फिनोल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, यहाँ OH ग्रुप हो, यहाँ NO2 ग्रुप हो, और यहाँ पर हो हमारे पास CL ग्रुप, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे 1, 2, 3, 4 नोमेनक्लेचर कर दिया बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। तो 4 पोजीशन पर कौन है, क्लोरो, पहले तो कौन आएगा, क्लोरो आएगा, फिर 2 पे नाइट्रो, क्योंकि अल्फाबेटिकली चलते हैं ना, कैसे चलते हैं, अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो क्या हो जाएगा, और क्या है फिर, फिनोल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनोल। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर लिख दूं, यदि यदि OH के अतिरिक्त, अगर OH ग्रुप है इसके अतिरिक्त कौन सा COOH हो, या NO2 ग्रुप हो, या क्या हो, CH3 ग्रुप समूह जुड़ा हुआ हो, तो यहां पर लिख लो किससे, फिनोल से। हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि फिनोल से OH ग्रुप, OH ग्रुप मतलब बहुत सारे OH ग्रुप थे ना, तो OH ग्रुप की जगह अगर COOH ग्रुप हो, या फिर NO2 ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो, COOH ग्रुप हो या NO2 ग्रुप हो, तो क्या करेंगे, तो बॉन्ड OH समूह को क्या लिखेंगे, समूह को क्या लिखेंगे, समूह को हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप लोगों ने जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे तो प्रायोरिटी टेबल बनाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा प्रायोरिटी टेबल, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है ना। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं एक ही रिंग में, तो सबसे पहले जो नंबरिंग की जाती है वो किससे शुरू की जाएगी, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह। और यहाँ पर कौन हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसी का क्या लेके चले हमने, ये लिया, यहाँ पर क्या लगाओ, COOH ग्रुप लगाओ, क्या लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास है एक OH ग्रुप, एक यहाँ पर है OH ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, ब्रोमो ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, ब्रोमो। अब मुझे बोलो कि इसका नोमेनक्लेचर करो, तो हम जानते हैं अपने IUPAC नोमेनक्लेचर अगर 12th में सीखे होंगे तो प्रायोरिटी टेबल, हम जानते हैं OH ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, हैलोजन है और एसिड ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, एसिड ग्रुप की। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे, फिर 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया, क्या हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। अब इसके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, हमारा मेन, अब ये क्या है, अब यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो OH नहीं रहेगा, क्योंकि उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ मौजूद है, कौन है, COOH है। तो अब ये जो OH ग्रुप है ये किसमें चेंज हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए, हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, हम हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी। अब ये फिनोल में नहीं गिना जाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्सी काउंट होगा। तो हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो करेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले कौन आएगा, 5 पोजीशन पर ब्रोमो है, बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो 5 ब्रोमो दिख रहा है ना, 5 ब्रोमो, 2 और 4 डाई हाइड्रोक्सी, 5 ब्रोमो 2, 4 डाई हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड या बेंजीन एसिड, क्या बोलेंगे हम इसे, बेंजीन एसिड, वैसे बेंजीन एसिड नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, सॉरी क्या बोलेंगे,
बेंजोइक एसिड, क्या है ये? बेंजोइक एसिड हो जाएगा, एसिड में ही तो आ गया, तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर OH ग्रुप अब सेकंड प्रायोरिटी पर आ गया, पहली प्रायोरिटी पर कौन रहेगा? जो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे और एग्जांपल करें, जैसे ये हो हमारे पास, अगर ऐसा हो कि COOH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं पहली प्रायोरिटी तो हमारी कौन रह गया, पहली प्रायोरिटी पे तो हमारा हो गया कौन, बेंजोइक एसिड, अभी अभी तो बोला, सॉरी COOH ग्रुप, अभी तो बोला COOH ग्रुप की प्रायोरिटी वन से ज्यादा होती है, 2, 3, 4 चैन, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? पहले H आएगा या N आएगा? पहले H आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4-hydroxy, ठीक है, 2-nitro और क्या है ये, बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा, 4-hydroxy-2-nitro बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, यहाँ पर CHO ग्रुप लगा हो, ठीक है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हो, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हो, अब भी हम जानते हैं अब भी क्या है, CHO ग्रुप, COOH हो, CHO हो और या कीटोनिक ग्रुप हो, इनकी प्रायोरिटी OH ग्रुप से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, इनकी प्रायोरिटी OH ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, COOH को, 2, 3, 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2,4-dihydroxybenzaldehyde। अब क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन के लिए बेंज बेंज और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसके लिए क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड, 2,4-dihydroxybenzaldehyde, जैसे वहां पर बेंजोइक एसिड, क्योंकि जब COOH ग्रुप जुड़ा हुआ रिंग से तो क्या हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, तो वहां पर हमने क्या यूज किया था, बेंजोइक, लास्ट में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, तो बेंजीन है तो बेंज ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यहाँ पर क्या होगा, बेंज एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड इसलिए बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरह से हम फिनॉल्स और उसके डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम फिनॉल की स्ट्रक्चर की थोड़ा डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर और उसकी बॉन्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, फिनॉल की संरचना तथा बंधन, यानी कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनॉल्स, फिनॉल्स की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को जरा डिस्कस कर ले, कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन को तो हम जानते ही हैं, क्या है बेंजीन, फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने बेंजीन रिंग, अभी नहीं है, अब है, ठीक है, अब है ये बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी ही होगी। बस अब मुझे यहाँ पर क्या जोड़ना है, इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देना है, ठीक है। ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखें, संकरण देखें, जिस स्ट्रक्चर देखने तो हमें क्या पता होना चाहिए, संकरण पता होना चाहिए। और बेंजीन के अंदर हम जानते हैं, हम देख चुके हैं कि जितने भी कार्बन होते हैं तो कार्बन जो होंगे इस एराइल रिंग के अंदर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख दूं, एरिल वलय के अंदर या बेरिल वलय के कार्बन कैसे होते हैं, sp2 संकरित होते हैं, ठीक है, कैसे गिरेंगे, ये कार्बन ही तो है भाई, यहाँ पर कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, तो देख लें कितने बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन से, 1, 2, 3, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं एक कार्बन से, एक कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसका मतलब sp2, तो सारे कार्बन ही क्या होंगे यहाँ पर, sp2 संकरित होते हैं। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर तो हम जानते ही हैं भाई, sp2 संकरित होगी बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर तो हम बहुत पहले से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन की, इस पर संकरण क्या होगा, क्या ये भी sp2 होगा, क्या ये भी sp2 है, बताइए भाई,
आप बताइए। एक दो, दो तो सिग्मा बॉन्ड है और इस पर क्या है, दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड मिलकर ऑक्सीजन को कैसा बनाते हैं, sp3 संकरित। क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन कैसा है, sp3 संकरित होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु पर कैसा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। अगर संकरण sp3 है तो हम जानते हैं भाई sp3 संकरण है तो बॉन्ड एंगल हम जानते हैं, sp3 संकरण में बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई, sp3 संकरण में बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो क्या यहाँ पर भी 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा क्या, नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये है ना दो लोन पेयर, यहाँ पर दो लोन पेयर भी तो है, ये लोन पेयर क्या करते हैं, sp3 संकरण होगा तो इसकी जो भी ज्योमेट्री होगी मैं इसको सही से बना लूं, ऐसे तो नहीं होगा ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे दो लोन पेयर, sp3 हाइब्रिड ज्योमेट्री ऐसी होगी, चतुष्फलकीय है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम जानते हैं जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण लगाते हैं, और प्रतिकर्षण लगाते हैं तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए, तो ये होता कितना है, ये होता है 109 डिग्री, कमाल की बात है, कितना है 109 डिग्री, कितना कम हुआ है, बस 28 मिनट का एंगल कम हुआ है, बाकी कितना बचा हुआ है 109 डिग्री। ये कैसे हुआ भाई, इतना कम क्यों नहीं हुआ, जबकि हम जानते हैं कि लोन पेयर जो होते हैं वो प्रतिकर्षण लगाते हैं, और प्रतिकर्षण लगाएंगे ऊपर से तो ये बॉन्ड एंगल जो है ऊपर से प्रतिकर्षण लगाएंगे तो ये बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, फिर ये कम क्यों नहीं हो रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मौजूद है भाई, हाइड्रोजन एक स्मॉल ग्रुप है, लेकिन ये क्या मौजूद है, फिनाइल ग्रुप, ये क्या है, फिनाइल ग्रुप, और ये तो बहुत बड़ा है, बल्की ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, यानी कि एक बड़ा ग्रुप है, तो क्या करेंगे, इस कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो जो लोन पेयर ऊपर से बॉन्ड एंगल को कम करने का जोर लगाएंगे, लेकिन जैसे ही ये दोनों पास आएंगे, जैसे ही ऊपर से बॉन्ड एंगल कम होगा तो ये दोनों क्या होंगे, पास आएंगे, ये दोनों क्या होंगे, बॉन्ड पास आएंगे, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप है, यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे ही पास आएंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे, यानी कि ये बॉन्ड एंगल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कम होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है बस कितना कम होता है, केवल 28 मिनट कम होता है, बाकी बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 109 डिग्री। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध कोण, बंध कोण कितना होता है, बंध कोण 109 डिग्री होता है। क्यों होता है भाई, बता दिया, क्योंकि ये जो फिनाइल ग्रुप है ये क्या है, बल्की ग्रुप है, और हाइड्रोजन एक स्मॉल ग्रुप है, तो जैसे ही लोन पेयर इस बॉन्ड एंगल को कम करेंगे तो इसके और तो हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो ये फिर से दूर हट जाएंगे, यानी कि ये ऊपर से जोर लगा रहे हैं कम करने का, लेकिन ये प्रतिकर्षण ये वापस से मुड़ जा रहे हैं, यानी कि वापस से बॉन्ड एंगल को बढ़ा दे रहे हैं, तो इसलिए ओवरऑल बॉन्ड एंगल जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, कितना रह जाता है, 109 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिनोल के अंदर कार्बन जो है वो sp2 संकरित होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री का होता है, ठीक है। अब जरा इसे ऐसे बना लूं, अगर बात की जाए इसकी, यहाँ पर है OH ग्रुप, ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं भाई, लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित है, क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, थोड़ा सा ये है OH ग्रुप, ऑक्सीजन के पास क्या है भाई, लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये जो अपने लोन पेयर है ये डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, रिंग को, ये जो रिंग है इसको डोनेट करता है, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, रेजोनेंस होती है, जैसे ये लोन पेयर यहाँ आएंगे ये क्या जाएगा, बॉन्ड इधर जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बना लेगा डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यानी कि OH ग्रुप क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनों को रिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, डोनेट कर रहा है रिंग को, यानी कि ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है कौन सा प्रभाव लगाता है, प्लस R प्रभाव, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं, रेजोनेंस प्रभाव कह लो इसे या मेसोमेरिक प्रभाव, दोनों सेम ही होते हैं। तो
तो इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। तो ओ एच ग्रुप क्या लगा रहा है, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप लगा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कहां रिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। और ये रिंग क्या कर रही है, जो फिनोल जो बेंजीन की रिंग है, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है अपनी तरफ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है अपनी तरफ। तो ये कैसा प्रभाव लगा रही है, ये जो रिंग है ये कैसा प्रभाव लगा रही है, माइनस आई इफेक्ट। कैसा, माइनस आई इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग होती है ये कैसा प्रभाव लगाती है, माइनस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन के लोन पेयरों को अपनी तरफ खींच रही है, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहे हैं रिंग में, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आर इफेक्ट। तो ऑक्सीजन पर होता है प्लस आर इफेक्ट और रिंग का होता है माइनस आर इफेक्ट, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, रिंग के अंदर कंजुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये चार्ज अभी आगे मूव करेगा तो ये बॉन्ड ये इधर चला जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगी नेगेटिव चार्ज, इधर गया ये इधर आया, ये इधर आया, यहाँ डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव, फिर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये वापस से फिनोल में चेंज हो जाएगा, यानी कि इस तरह से बन जाएगा। सॉरी जुकाम हो गया मुझे, सॉरी। तो ये बन जाएगा, यानी कि इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, एक दो तीन चार, इस तरह से क्या बन रही है, सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब जितनी ज्यादा, और हम जानते हैं जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, इसका मतलब फिनॉल जो है वो एक स्थायी मॉलिक्यूल है, किसकी वजह से, अनुनाद के कारण। तो हम यहाँ अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अनुनाद के कारण फिनॉल एक स्थायी अणु है, ठीक है, अनुनाद हो रही है इसकी, इसकी वजह से ये क्या है, एक स्थायी मॉलिक्यूल होता है ना। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, ये जो फिनॉल का जो यहाँ पर इस वाले बॉन्ड की बात करें, ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड की बात करें, तो ये दिख तो क्या रहा है, सिंगल बॉन्ड क्या दिख रहा है, फिनॉल के अंदर जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमें दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, है ना। लेकिन जब इसकी बॉन्ड लेंथ नापी तो पता चला कि ये तो सिंगल बॉन्ड जो होता है उससे कम होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जितनी सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए थी उतनी नहीं होती, उससे कम होती है। क्यों होती है भैया, आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, यानी कि ये जो बॉन्ड है दिख जरूर सिंगल बॉन्ड रहा है लेकिन इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के करेक्टर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के करेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उससे कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से इसकी बंद लंबाई जो होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन की बंद दूरी यानी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ द्विबंध गुण के कारण, द्विबंध गुण यानी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, ठीक है, कारण क्या होती है, एकल बंद दूरी से कम होती है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उतनी होनी चाहिए थी इसकी, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ, लंब बॉन्ड जो है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर हम रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और भी छोटी हो जाएगी, है ना। तो डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है जितनी प्राप्त होनी चाहिए थी एकल बॉन्ड लेंथ, उससे उतनी नहीं होती, उससे कम प्राप्त होती है। तो इस तरह से बेंजीन के फिनॉल के अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
नोट कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।